सारा काम करेंगे अपने भाई बोवी भाई, तो बोवी भाई को गाइस इसकी प्राइसिंग मैं आप लोगों को बाद में बता, आगे का जो इंडिकेटर है ना वो खुलेगा, वो खुल के लगेगा पीछे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल संदीप व्लॉग्स। सो गाइस कैसे हो आप लोग, होपफुली जितने भाई वीडियो वॉच करें सारे ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। गाइस तो गाइस पीछे खड़ी अपनी पल्सर 220F। वैसे तो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही चुके होंगे कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हम करने वाले हैं इसमें भाई इंडिकेटर क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन, और खुद से करेंगे और आप लोगों को पूरा मतलब एक तरीके से बताएंगे कि मतलब कितने में इंडिकेटर पड़े और कितना मतलब बढ़िया विजिबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। और अभी आ चुके हम लोग अपने जहाँ पे लोकेशन है ये देख सकते हैं आप लोग, और सारा काम करेंगे अपने भाई बोवी भाई, तो बोवी भाई को एक बार। तो अभी तो देखो फिलहाल अपना काम शुरू हो चुका है और ये सारा काम बोवी भाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बोवी भाई को नॉलेज हो चुकी है इस चीज़ की, तो इतने साल से चला रहे थे नहीं तो एक्सपीरियंस हो गया। हाँ तो यार इंडिकेटर देखो भाई, पूरा इंडिकेटर टूटा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, तो कुछ भी काम नहीं करवाया था। अभी ब्रेकिंग का काम करवाया लास्ट वीक आपने देखा, दो तीन दिन पहले, और अब इंडिकेटर का काम करवा रहे हैं। और देखो भाई कितना पड़ा हुआ है सामान, देखो वाइजर साइड के सब चीज़ पड़ा हुआ है। तो ये रहे अपने इंडिकेटर, तो गाइस इसकी प्राइसिंग मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है, कितने के पड़े और कहां से मैंने लिए सब कुछ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में बताऊंगा। और मॉडिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ बबल वाइजर रखा हुआ है, ये भी बाद में एक इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और ये पड़े हुआ अपना मतलब लीवर प्रोटेक्टर, ठीक है। तो चलो यार काम करते हैं शुरू। सुबह के बज रहे हैं नौ साढ़े नौ बज रहे हैं लगभग, इतने के बीच का टाइम हो रहा है। और अभी हम सुबह सुबह आए तो भाई इसमें भाई धक्का लगा के आना पड़ा, इतनी ज़्यादा मतलब इसने परेशान कर दिया ना यार, क्या ही बोलूँ आप लोग, मतलब अकेले मैंने धक्का नहीं लगाया, जब भी बोवी भाई नवीन भाई साथ में होते हैं ना, तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। इतनी धक्का मैंने अपनी बाइक पे नहीं मारा जितने इस बाइक पे, पता नहीं यार क्या हो जाता इसमें, जबकि यार अभी इसमें सर्विस वगैरह करवाना बाकी है, ठीक है। ट्रिप पैसे आए थे सर्विस भी नहीं करवाई, तो सर्विस यार मांग रही है तो सर्विस करवाएंगे अभी इंजन। और हालांकि इसका मतलब इतना पुराना मतलब गाड़ा ही है, अभी इतना हल्का हुआ नहीं है, तो कोई नहीं हम चेंज करा देंगे और इंजन विंजन साफ़ करवा देंगे इसका, जो भी भाई क्या कहते हैं कार्बोरेटर गंदा वंदा फंस रहा है, तो उसके ऊपर भी भाई आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे और कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी देखो गाइस हम इंडिकेटर लगा रहे हैं, इंडिकेटर इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो गया। क्या करना है हमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले अभी पहले आप इंडिकेटर देख लो। देखो आगे का जो इंडिकेटर है ना वो खुलेगा, वो खुल के लगेगा पीछे, ये है पहले वाले इंडिकेटर, ये थे कॉम्बिनेशन वाले थे, ब्लू एंड येल्लो का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। और ये सिर्फ क्या है क्या कहते हैं लैम्प है, हल्का मतलब ऑरेंज कलर का लैंप है ये, ठीक है। इससे विजिबिलिटी इसकी थोड़ी मतलब लाइट मतलब क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ठीक ठाक डार है। ये वाला इंडिकेटर खुल के पीछे लगेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ की साइड लगेगा ये इंडिकेटर, इस तरफ जो टूट गया है इस तरफ ये लग जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ब्रेक मारते हैं ना तो ब्लू वाला विजिबल होता है, तो थोड़ा पीछे अच्छा लगेगा। अब ऐसा नहीं यार आगे एक लगा दिया वो लैंप वाला और एक पीछे लगा दिया, तो बाइक यार थोड़ी बहुत अलग ही लेवल की लगने लग जाएगी। गाइस भाई वो वाला इंडिकेटर निकल के पीछे लगेगा, हाथ में आ गया, और इसे भी हमने बड़ी मुश्किल से खोला था भाई। बजाज की ओरिजिनल पार्ट्स जो होते ना प्लास्टिक टूटती नहीं है, जैसे मॉडल लोकल होते ना मूर्ति टूट जाती है, बिल्ड क्वालिटी है भाई बजाज की, भाई कितनी बार गिरी है भटावट भटावट, अभी तक देख लो कुछ कोई कह नहीं सकता कि इतना गिरी हुई बाइक है। भाई हम ये ना बाहर करवा रहे थे काम, लेकिन कितने रुपए मांग, 200 रुपए मांग रहे हैं, 200-250। ये नेक्स्ट का काम है यार, 200-250 रुपए मांग रहे हो, अबे हटाओ यार हम खुद कर लेंगे कल। ये आ गया इंडिकेटर अपना और ये हो रहा है इंस्टॉल। पन्नी नहीं उतारोगे? पन्नी तो बाद में भी उतर जाएगी जब मन करे, पन्नी तो जल्दी उतर जाएगी। उसने ऐसे लगा दिया था इसलिए ढीले हो जाते थे बार बार, हैं कसे ही नहीं थे पूरे, खैर पीछे के भी हो जा रहे थे ढीले। क्वालिटी सही है ना इंडिकेटर की? हाँ पहले लो से तो बढ़िया है, तो देख सकते हैं भाई आप लोग काम जोरों तोरों से चल रहा है। उन्हें पता है क्या भारी लग रहा था, जैसे हमने बोला ना पीछे खोल के आगे वाला इंडिकेटर पीछे लगा रहे हैं, ये नंबर प्लेट उन्हें पता था ये सब खोलना पड़ेगा, ये सब भी भारी और खोल के फिर चेंज भी करना है, इसलिए वो क्या अब वो है ना पूरा फिक्स टाइट, उसने ऐसे चाबी से टाइट ही नहीं करा होगा उस टाइम, ये हिल ही नहीं सकता, भी इंडिकेटर हिल ही नहीं सकता।
चारों इंडिकेटर लग गए, लेकिन फिलहाल एक का कनेक्शन हुआ अभी और एक में थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, जो कि नहीं आनी चाहिए भाई इस टाइम पे, है ना। कोई नहीं, सबका सोल्यूशन अपने पास, सबका सोल्यूशन है वो व्लॉग्स इंडिया के पास। छोटे मोटे मैकेनिक यार हम भी है, एक्सपीरियंस हो गया 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, छोटे मोटे तो हम भी है यार। बाकी यार अब तो अब से यार कोशिश करेंगे, खुद से ही कर रहे हैं हम यार सारा काम। भाई असम तमिल चेन्नई की तरफ पे बाइक का इतना क्रेज है ना, वो बंदे ना घर में ही खोल देते हैं पूरी पूरी बाइक, वो बाहर नहीं जाते जल्दी से। और करना क्या है यार, सब कुछ अपनी चीज है। ऐसी मैंने इंस्पिरेशन लेके कल अपनी बाइक खोलने की पहली बार करी, पूरी फेयरिंग खोल दी मैंने आगे से पीछे तक, और कस भी दी। नवीन तो डर गया था कि तेर से निकसी जाएगी अब भाई ये, मगर भाई कर दिया काम पूरा फाइन। तब से मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ भाई मैं कर सकता हूँ बाइक का खोल के बंद करना वरना ये छोटा मोटा काम निपटा दूंगा मैं। हाँ फिलहाल ये वायर का काम यहाँ पे देखो पूरा पक्का कर देना, टूटे ना रस रस्ते में, टूटे ना, ठीक है। इसमें यार दो कॉम्बिनेशन वाले बल्ब है ना, खैर तार तो उन्होंने लगाए रखे हैं, हम उसी में जॉइंट कर देंगे। सो गाइस इसमें यार एक वायर बेकार हो गई ये वाली, है ना, ये जा रही है, ये टूट रही हाथ लगाने से, धुआं भी फेंकने लग गए थे अभी, हमने कहा भाई ये क्या हो गया अचानक से, हजार की वायर है ये, इसमें डाल के उसे लगाओ तो जाएगी भी नहीं अंदर, बहुत मोटी वायर है, स्विच ही नहीं जाएगा, मैं जुगाड़ करके लगा दिया था, जुगाड़ करके ही लगाए थे भाई। चल भाई देखो फिर लग गई, हां चला के देखते रहे, चल तो रहे इधर के, अगर के साथ में चल रहे ना, चल रहा है, हां धुआं तो नहीं आ रहा ना, पता चलेगा भाई अगर कौन है, करो कुछ हल्के हल्के, ये देखो भाई सीधी पे लगा, ये देखो चलते पीछे की साइड, पीछे का काम करते हैं, सीट ऊपर से खुलती है नीचे से, ऊपर वाले से खुलेगी, खुली नहीं थी इस वाले से, चाबी डाल के खोलो ना यार, उसमें वो पीली वाली वायर थोड़ी लग रही है वैसे वैसे, मेरी तो पीली वाली यू हाथ में आ जाती है, चूहो ने कर दिया इसका काम 35, पीली थी इसमें पहले, हाँ चूहे लोक हो गई, चूहे लाल रेड खुल गई है, खोलो, नहीं खुली लोक हो गई, इसे कस दे वापस, अंदर से भी वॉश करवानी है एक दिन, ये चूहो ने तार ये सब काट दिया, सारा गिर गया है, वो देखो टूल बॉक्स के थोड़े मेन मेन पार्ट्स बचे हैं, वो देख रहे हो, ससुरों ने सारा ही काट दिया है, पूरी वायर काट दी थी, नट कौन सा खोलोगे अब, अच्छा ये वाला खोलो पहले, तो उसका कनेक्शन कहाँ से हो रहा है पता है, इसमें ही जॉइंट करोगे और क्या, फिर जलने लग जाएगा तो है? क्या जलेगा, हैजार्ड्स का कैसे करोगे, हैजार्ड्स अपने आप हो जाएगा ना ऑटोमेटिक, हैजार्ड्स तो इसमें कनेक्ट हो गई है, हाँ उसमें तो कनेक्ट है ही, इंडिकेटर तो यहीं से टूटा है, उसकी तीन बार सेम की सेम इसमें मिला देंगे, तीन कलर बस, इतना वो करता हूं। मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दूं, मैंने ब्रेक लीवर गार्ड मंगाया, ये देख रहे हो, तो भाई इसको भी एक इंस्टॉल करना है, लेकिन हमारे पास की नहीं है इसकी, क्वालिटी वाइज तो ठीक है देखने में मेरे को लग रहा है, बाकी एक बार लगाएंगे तो कर दूं इस बार ये। हाँ हाँ हो जाते बार बार। उधर से भी टाइट कर देना उसे, और क्वालिटी वाइज तो ठीक है भाई ये, और एक बार लगा के देखना लुक्स कैसा आ रहा है, लुक्स भी अच्छा ही आएगा देखने में तो वैसे लग रहा है। तो भाई ये देखो पीछे के हैजार्ड्स इंडिकेटर लग रहे हैं, इधर का टाइट कर दिया, विजिबिलिटी अच्छी है इनकी यार, मेरे को पसंद आ गए थे एक ही बार में, ये पड़े थे मेरे को 350 के, दो गाइस पड़े थे 700 के, चार पड़े थे, और भाई कोई डिस्काउंट नहीं, और उस टाइम मैंने मॉक्सी का लिया था एक हैजार्ड्स फ्लैशर, ठीक है मैंने सोचा वही लगा देगा, उसने लगाए नहीं, उनने भाई पता नहीं कहाँ का एड्रेस भेज रहा, फिर मैं गया भाई सरदार पे, उससे लगवा लिया मैंने सरदार, वो बढ़िया था। फाइनली इंडिकेटर इंस्टॉल हो गए हैं और हैजार्ड्स के साथ जल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे विजिबल हो रहे हैं आउटपुट, दिन में तो कुछ, डे में ऐसी आउटपुट मिल रही है देखने को, इस तरफ से भी देखो फ्लैशर चल रहा है इसमें, और देखो भाई मेहनत तो लगी, और क्योंकि भाई आगे का खोल के पीछे लगाना था और आगे दोनों ब्रांड न्यू लगाने थे, तो इसकी क्या कॉस्टिंग है भाई, इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी मेरे को 330 रुपये के आसपास अभी फ़िलहाल तो, इन फ्यूचर भाई महंगे भी पड़ सकते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं KTM की फर्स्ट कॉपी है गाइस ये, तो आप ले सकते हैं, बढ़िया दिख रहे हैं, लुक वाइज भी अच्छे लग रहे हैं,
तो ऐसी कुछ क्वालिटी, ऐसी कुछ मतलब क्या कहते हैं विजिबल हो रहे हैं, और पीछे के दिखा दे तो पीछे वाले के तो पुराने वाले ही अपने, कुछ ज़्यादा ही बैटरी के मतलब हैलोजन लाइट है ना क्या कहते हैं इसमें प्रोजेक्टर में, तो इसलिए बैटरी ज़्यादा पी रही है, इसलिए बाइक स्टार्ट करके हमने मतलब ये चालू किया, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये इसका भी लुक कुछ अच्छा हो गया है। तो चलो यार अब इसका इस इंडिकेटर के ना मैं आप लोगों को लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन। अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार वीडियो को बनाने में, तो यार वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, और बोबी भाई की तो आज भाई बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई। तो गाइस मिलेंगे ऐसे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।